संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, तो आज मैं बात करना चाहूंगा 2010 के अपने पॉलिटेक्निक के एक इतिहास के बारे में, क्योंकि भाई हमारे साथ बैठे हुए हमारे पुराने स्टूडेंट हैं 2010 के आदित्य, और ये 2010 में हमारे सेंटर से निकले थे और इनका 412 रैंक था, और काफी अच्छा लगता है इनसे मिलकर। और हम लोग सोचे कि एक वीडियो डाल दें ताकि एक यादगार के रूप में ये पल हम लोगों को कंटिन्यू याद रहे, और बच्चों को भी इससे एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई आपको पढ़ाई के बाद जॉब कितने क्षेत्रों में मिलता है और कैसे कर सकते हैं। तो आदित्य आप अपना एक थोड़ा परिचय दे दें कि अभी आप क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली सर मेरा तो करियर जितना हो सके यहीं से स्टार्ट हुआ है। 9th-10th मैंने यहीं पे किया, उसके बाद फिर मेरी आईटी डिप्लोमा में आपका बहुत अच्छा सहयोग मिला था कि मुझे इतना अच्छा रैंक से मुझे अबाउट 412 रैंक था मेरा, और मेरी तो एडमिशन हुई थी यहाँ पे ये अलकबीर में। एक्चुअली मुझे GWP आदिपुर भी मिल रहा था, बट गार्जियन के अकॉर्डिंग नहीं वहाँ थोड़ा पढ़ाई बेहतर। हाँ, आपके पेरेंट्स से मेरी बात हुई थी, उस समय उन्होंने कहा था कि नहीं सर मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में कुछ चाहिए, और मुझे भी एक इच्छा था कि नहीं, एक्चुअली बहुत बोलते थे कि नहीं वहाँ कैंपस प्लेसमेंट अच्छा है ये अच्छा, बट मुझे थोड़ा चाहिए था कि नहीं पढ़ाई अच्छा हो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। फिर मैंने वहाँ से किया, फिर मेरी स्टार्टिंग कैंपसिंग हुई थी 13 में सुब्रोसी अकेडमी से, बट ड्यू टू एनी काउज वहाँ फिर हो नहीं पाया। उसके बाद मेरा इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन हुआ था हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची, तो वहाँ मैं था 2-3 दिन था। दो से तीन दिन के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ जेएसपीएल अंगुल में रहा मैं। वहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट में था 2-2.5 साल। उसके बाद नेक्स्ट सिलेक्शन मेरा इंडियन रेलवे में हुआ, और मतलब मैं अभी करेंटली मैं इंडियन रेलवे में ही पोस्टेड हूँ खड़गपुर डिवीजन में, और हमेशा अब से आप मुलाकात बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग और भी मेरे साथी है वो सब भी अच्छे जगह सेटल है, काफ़ी अच्छे अच्छे जगह। तो 2010 का ये बीच का चूंकि एक वीडियो है जिसमें आपको आइडिया होगा कि जो ये डिप्लोमा का यात्रा है ये किस प्रकार से आपके लिए, तो बच्चों को आप प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे चैनल के माध्यम से, कि अगर उन्हें जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करना है तो किस तरह से अभी से सावधानी बरते ताकि जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो कंटिन्यू एक अच्छा जॉब ले पाए। बहुत सारे होते हैं कि पॉलिटेक्निक में मैं जिस जैसे एक कॉलेज से हूँ, तो बहुत सारे क्या करते थे कि नहीं मुझे करेंटली जॉब लेना है, तो वो क्या करते थे अपने सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट से हटकर जीके वगैरह या जनरल ठीक है वो पढ़ना है, बट आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमारा टेक्निकल पेपर्स उनको पहले अच्छे से करना है, क्योंकि हम टेक्निकल ही कर रहे हैं। बहुत लोग उससे थोड़ा दूर हट के, खासकर मैंने देखा है जी गवर्नमेंट जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है उनके लड़के करते हैं कि उससे थोड़ा हट के जितना जरूरत हो उतना पढ़ लिए, बट आगे जाके जब भी आपका कहीं भी सिलेक्शन होता है कंपनी में तो बहुत प्रॉब्लम होता है इस चीज़ को लेकर। तो मेरा ये कहना है कि पहले अपना जो टेक्निकल पेपर है उनको क्लियर कीजिए, उसके बाद बाकी पे हाथ लगाइए। मतलब टेक्निकल पेपर देखिए, मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि जैसे जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग उजनिंग GS-OS के लेवल पे पढ़ लेते हैं, लेकिन जहां जॉब में जब जाते हैं तो मेन प्रॉब्लम वो आता है कि टेक्निकल नॉलेज आपका कैसा है, आपका टेक्निकल नॉलेज कैसा है। क्योंकि मैं इस चीज को फेस किया कर चुका हूँ, मैं जब BPC में था तो इस तरह का बहुत सारे इश्यूज आते थे कि आपने क्या है देखा क्या सीखा, इस तरह कोई नहीं पूछता वहाँ पे कि आपने रीजनिंग कितना बनाया। ठीक है आपका सिलेक्शन के लिए वो भी, उसके बिना सिलेक्शन हो नहीं सकता ये पॉसिबल नहीं है, बट आपको अपना टेक्निकल नॉलेज भी मस्ट है कि उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आप अपने ब्रांच पेपर्स पर काफी ज्यादा ध्यान दें, और चूंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट मतलब कि प्रैक्टिकल कम हो पाता है, तो बच्चों को जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल साथ साथ करते चले जाए, हाँ वो एक थोड़ा सा अंतर आ जाता है। और अभी प्रेजेंट जो स्थिति है उसमें जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की बहुत सारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे क्लोज होते जा रही है या प्राइवेट में तब्दील होते जा रही है, इसका मूल कारण आप क्या समझते हैं, इसका मेन कारण क्या है, कि क्या जो वर्क पावर है वो वर्क पावर सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट का, जिसके चलते प्राइवेट पूरा है।
नहीं प्राइवेट हो रहा है इसका है कि एक तो टेक्नोलॉजी अच्छा हुआ है, अभी आप कहीं भी जाओ जहाँ पे मैन पावर कम से कम चाहिए टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, तो जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी पहले से कुछ कम है और सारा चीज तो अभी टेक्नोलॉजी से ही होता है नॉर्मली। तो चलिए भाई अब इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करूंगा और मैं आपके सुंदर भविष्य का कामना करता हूँ। थैंक यू और हमारे तरफ से धन्यवाद, आप इस चैनल पर अपना समय दिए हैं और ऐसे ही अपने भविष्य को आगे बढ़ाते जाएं और संस्कार का और पूरे देश का नाम रोशन करें। ऐसे कामने के साथ ही आज के वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद जय भारत।